Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाअहली पर नवाज शरीफ की खाली करदा नशस्त ने 120 पर ज़िमनी इलेक्शन का हाई वोल्टेज मारा। पोलिंग स्टेशन में गहमा गहमी, नवाज शरीफ की अहलिया कुलसुम नवाज और तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। पीपल्स पार्टी के फैसल मीर और जमात इस्लामी के जियाउद्दीन अंसारी भी मैदान में हैं। पोलिंग स्टेशन पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। एन 120 पर सेंट्रल मॉडल स्कूल इस्लामपुरा और सांदा समेत कई पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग 40 मिनट ताखीर से शुरू हुई। पोलिंग का वक्त शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के कार्ड के बावजूद बहुत से पोलिंग स्टेशन पर अब तक मीडिया को दाखिले की इजाजत न मिली। एनए 120 का फैसला कबूल करेंगे, फौज की मौजूदगी में धांधली का इम्कान नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। स्थानीय फौज यहां पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में मैं समझता हूं कि किसी धांधली का कोई इम्कान। यास्मीन राशिद का पोलिंग स्टेशन का दौरा, कहती हैं रेंजर्स की तैनाती से धांधली का इम्कान कम हो गया। पुलिस एहलकार लोगों के लिए सहूलियात पैदा करें। से ये जरूर फर्क पड़ा है कि वो जो धांधली वाला सिस्टम था वो उसमें बहुत कमी आ जाएगी। एनए 120 का दिलचस्प पहलू, चार उम्मीदवार खुद वोट नहीं डाल सकेंगे। कुलसुम नवाज, यास्मीन राशिद, फैसल मीर और जियाउद्दीन अंसारी का वोट इस हलके में रजिस्टर्ड ही नहीं। एनए 120 पर तमाम 220 पोलिंग स्टेशन हसास करार। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज के जवान तैनात। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब। 39 पोलिंग स्टेशन पर बायोमेट्रिक मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। हल्के का गूगल मैप जारी। उम्र रसीदा, नाबीना अफराद और हामला खवातीन को बगैर लाइन तरजीही बुनियादों पर वोट कास्ट करवाए जाएं। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर तस्वीर न बनाने दी जाए। शनाख्ती कार्ड के बगैर किसी को भी वोट न डालने दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत। आज न्यूज की इलेक्शन कवरेज टीम, तकरीबन 44 कैंडिडेट्स यहां पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। एनए 120 के हलके में इस वक्त खड़े हुए हैं। कहीं से ये ज़िमनी इलेक्शन नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की सियासत में कभी भी इतना बड़ा कंफ्यूजन पैदा नहीं हुआ। आज न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन हलका तहलका में ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर कवरेज, बर वक्त और मुसद्दका खबरें, जानदार तज़िये और तबसरों की आवाम में भरपूर पसीराई। मारूफ अदाकार इफ्तिखार कैसर लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी अदाकारी और मुकालमे परिस्तारों को याद रहेंगे। और अमरीकी खातून ने अव्वल मेलानिया ट्रंप का रियासत मैरीलैंड में स्कूल का दौरा। खातून अव्वल बच्चों में घुल मिल गई। बच्चे भी मेलानिया ट्रंप को देखकर खुशी से निहाल।